मैं हूं देवांशु, आप देख रहे हैं न्यूज़ 4 निशा। सरकारी बैंकों के में विलय के खिलाफ इलाहाबाद बैंक के कर्मचारी आए हैं और ये मार्च निकाल रहे हैं। आप तस्वीरों में देख रहे हैं कि ये मार्च निकाल, आप लोग ये बताइए कि क्यों आप लोग ये मार्च निकाल रही है। बैंक 150 साल से भी ज्यादा पुराना बैंक है और इंडियन बैंक को मर्ज किया जा, इंडियन बैंक के साथ मर्ज किया जा रहा है, जो कि उस बैंक से हर महीने में मेरा बैंक बड़ा है। इसलिए सिर्फ मर्ज किया जा रहा है कि साउथ का वित्त मंत्री है और उसको बचाने के लिए वो तो खुद 10,000 करोड़ से सफर कर रहा है, फिर भी उसका कोई आधार नहीं है, कोई परफॉर्मेंस नहीं है। हमारा बैंक हर महीने में उस बैंक से बड़ा है, फिर भी उसमें मर्ज किया जा रहा है। जवाब दीजिए वित्त मंत्री, मार्च कहाँ तक लेके जा रहे हैं? ये मार्च तो हम लोग आगे से जाकर टर्न कर लेंगे। आप तस्वीरों में देख रहे हैं कि ये इलाहाबाद बैंक के एम्प्लॉय हैं जो कि इस वक्त मार्च निकाल रहे हैं, जो कि आयकर ग्लोमेरुलेशन से निकलकर ये आर ब्लॉक तक जा रहा है, जहां पर ये इन लोगों की मांग है कि जो बैंक का मर्जर किया जा रहा है वो नहीं होना चाहिए। दरअसल आपको बता दें, इलाहाबाद का मर्जर इंडियन बैंक के साथ हो रहा है। इनका कहना है, साफ तौर पर कहना है कि जो इलाहाबाद बैंक की जो ब्रांच है वो ज़्यादा है, लेकिन फिर भी जो मर्जर है वो किया जा रहा है, इसके खिलाफ आज लोग मार्च निकाल रहे हैं। आप तस्वीरों में देख रहे हैं कि तख्तियों पे लिखा हुआ बैंक विलय का औचित्य बताओ मोदी सरकार, जवाब दो, जवाब तो तुम्हें देना होगा। ये बताइए आगे आप लोग क्या करेंगे, आज ये मार्च चल रहा है, आगे हम लोग बहुत दूर तक जाएंगे, जो भी जिस स्तर तक जाना होगा वहाँ तक हम लोग जाएंगे, क्योंकि भारत सरकार हम लोग के साथ धोखा कर रही है। धोखा नहीं करना चाहिए, हमारा इलाहाबाद बैंक सबसे पुराना बैंक है और किसी पैरामीटर में किसी से कम नहीं है। आज क्रेडिट में हमारा बैंक इलाहाबाद बैंक है, ब्रांचेज ज्यादा है, स्टाफ ज्यादा है, फिर छोटे से ब्रांच में हमारे बैंक को क्यों विलय किया? ये विलय नहीं करना चाहिए था, अगर किया है तो किस आधार पर किया है वो हमें जवाब दे। लेकिन बैंकिंग सेक्टर के लिए मानते हैं कि मोदी सरकार ने बहुत कुछ किया है? हाँ, नहीं कुछ नहीं किया है। डिमोनेटाइजेशन के टाइम में हम लोगों को बैंकर्स को 8-8 बजे रात तक खटलाया, 10-10 बजे रात तक खटलाया, हम लोगों को क्या दिया? कुछ नहीं दिया, ना बायपटाइट कर रहा है ना कुछ कर रहा है। हमारी सरकार के विरोध हमारी एक आवाज है। चलिए, आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरीके से इलाहाबाद बैंक के कर्मचारी हैं जो कि पटना की सड़कों पर मार्च निकाल रहे हैं। ये मार्च आयकर गोलंबर, पटना के आयकर गोलंबर से लेकर ये आर ब्लॉक तक निकालेंगे। दरअसल आपको बता दें कि इलाहाबाद बैंक का मर्जर इंडियन बैंक के साथ किया जाएगा, उसी के खिलाफ आज ये बैंक के कर्मचारी ने आज ये पैदल मार्च निकाला है। आप तस्वीरों में देख रहे हैं कि इनके महिलाओं के साथ साथ पुरुष जो एम्प्लॉय हैं, दोनों ही एम्प्लॉय। ये बताइए कि आप लोग कह रहे हैं कि मर्जर से क्या नुकसान होने वाला बैंक? देखिए, ये पूरे देश में आज प्रदर्शन चल रहा है और ये कोई अनपढ़ गंवार लोग प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं, ये पूरे पढ़े लिखे लोग, भारत के अर्थव्यवस्था को सुधारने वाले बैंकर आज प्रदर्शन कर रहे हैं, क्योंकि आज आप बैंकों का विलय करने जा रहे हैं। बैंकों का विलयकरण नहीं है, ये बैंकों का आप मर्डर करने जा रहे हैं। बैंकों का मर्डर है, बैंकों का मर्डर करने जा रहे हैं। इससे एम्प्लॉयमेंट मर जाएगा। आप देश के लोगों को आप नहीं सोच रहे हैं, आपको सिर्फ पूंजीपति दिख रही है। बैंकों को एक तरफ आप मर्ज करके बड़ा करना चाहते हैं, दूसरे तरफ आप प्राइवेट बैंक को ज़्यादा से ज़्यादा लाइसेंस दे रहे हैं ताकि वो बिजनेस करे, हमारे देश को बेचे। तो ये सब चीज़ जो भारत सरकार के पास अपना अस्तित्व नहीं रहेगी। सबसे बड़ी बात है कि भारत सरकार ये बैंक को बेचने का जो आह्वान करती है, विलयकरण के नीति को आह्वान दे रही है। बैंक किसका है? बैंक हमारा है, बैंक के शेयर होल्डर हम हैं, बैंक के मालिक हम हैं। जब शेयर होल्डर है, मालिक है, तो फिर बेचने की तैयारी कैसे? ये बिल्कुल ही गलत नीति है और इसका पूरा जोरदार विरोध होगा, पूरे देश स्तर पर विरोध होगा। चलिए, इनका साफ तौर पर कहना है जिस तरीके से विलय किया जा रहा है वो कतई नहीं होना चाहिए, इससे कहीं ना कहीं रोजगार भी प्रभावित होगा और ये बैंकों के हित में नहीं है। एक तरफ सरकार बैंकों को बढ़ावा देने की बात कहती है, लेकिन दूसरी तरफ सरकारी बैंकों का मर्जर से बैंकिंग सेक्टर को फायदा नहीं, नुकसान हो जा रहा है। फिलहाल आप देखते रहिए न्यूज़ 4 निशा। जिंदाबाद, 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 भारत सरकार।